नमस्कार, मैं निकिता, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अपनी लोहा इंडस्ट्री के कारण पूरे देश के अलावा विदेशों में भी लोहा मनवाने वाला आधुनिक शहर बटाला पिछले 4 दशकों से पर्याप्त सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण खात्मे के कगार पर पहुंच चुका है। वर्तमान हालत यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोहा कारोबारी लगातार चल रहे घाटे के कारण मजबूरन अपना काम बंद कर चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी भी इस काम से जुड़े हुए हैं वह सरकार से लगातार बनते लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बटाला के डूबता लोहा कारोबार को ध्यान में रखते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा द्वारा स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ विशेष मीटिंग की गई, जिसके दौरान मंत्री बाजवा ने पंजाब सरकार की ओर से सभी कारोबारियों को वाजिब सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। बैठक में शामिल इंडस्ट्री कारोबारियों ने बताया कि बटाला अपने लोहा कारोबार के कारण पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में केंद्र व स्थानीय सरकार द्वारा इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ऊपर से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सों ने व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा सरहदी इलाके की इंडस्ट्री को दिए जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती कर दी गई है और बताया कि आज की मीटिंग के दौरान उन्होंने मंत्री बाजवा को मुख्य 6 मांगों से अवगत करवाया और मंत्री ने भी मांगों को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। सर असी अज ना 6 समस्यावां पंजाब सरकार दी जिहड़ी इस मंत्री जी नूं दित्तियां ने उन्हां दे सामने ध्यान च भी लिआंदियां ने। जिहड़ी बिजली दी है ना सर, जिहड़ी नवीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई है, उहदे च कि जिहड़ी इंडस्ट्री सिक हो गई है उहनूं बिजली बोर्ड वाले मिनीमम चार्जिस पाए जांदे ने, उह जिहड़े नलैक्स दे विच हुंदे ने लखां दे विच, तो उहदे च असीं उहनां नूं प्लीट कीता सी अपना जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है कि भी इहनूं जिहड़ी इंडस्ट्री सिक हो गई है, बंद हो गई है, उहदे ते मिनीमम चार्जिस जिहड़े उह ना लए जाण। तो लेकिन जो PSPCL है जो पावरकॉम है उन्हें हाले तक उन्होंने लागू नहीं किया। मिनीमम बिल्स उस ही आ रहे हैं और इकट्ठे हो जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज को पे नहीं किए जा रहे। तो असं उन्होंने ध्यान से लिया कि चेयरमैन साहब को कह के वो जी पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की उन्होंने इंप्लीमेंट करवाया जाए सर, ताकि मिनीमम चार्जिस जो बिल्स वो ना आने। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि देश समेत पंजाब भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के हालातों को लेकर उन्होंने आज बटाला के लोहा व्यापारियों के साथ बैठकर उनको पेश आ रही मुश्किलों के बारे में जाना है। साथ ही मंत्री बाजवा ने कहा कि इन सभी मुश्किलों को पंजाब सरकार के ध्यान में लाकर जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री प्रफुल्लित नहीं हो रही, लगातार ही थल्ले डिगदी जा रही है, सारे कंट्री की डिग रही है, मेरे पंजाब की नहीं डिग रही। ग्रोथ रेट जरा कंट्री के बिल्कुल थले आ गया वा, कुछ पॉलिसी कमियां ने। सो एक लंबा बहस का विषय वा, सो कला पंजाब नहीं कह सकते, कंट्री का ही हाल बुरा हो रहा। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अज अनाउंस कर दिया कि कोई भी MLA या फिर मिनिस्टर सैकेंड कार नहीं यूज कर पाएगा, 5 स्टार च फंक्शन नहीं कर पाएगा या फिर हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा सरकारी खर्चे से। मैं उन्हां वास्ते जिहड़े वरतदे ने, ना मैं कदे हवाई जहाज गया, ना मैं कदे होटल च मीटिंग की है, तो अपनी कार वरतना वा। हाँ जी, वित्तीय संकट, वित्तीय संकट हैगा वा जी, मैं कहना कंट्री दे भी हैगा, पंजाब च भी हैगा, ये सामने नहीं आ, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जरा वखरे वखरे जी एडवाइजरी भेजता रहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों चिट्ठी आई। थैंक यू सर।